हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी सीरीज में हम एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीएचपी के एक फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर क्रॉस करते हुए। तो आइए हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम हमारे प्रीवियस वीडियो में एस्टीमेट लेआउट बना रहे थे हमारे पूरे प्रोजेक्ट के, जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट था उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम बना रहे थे। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक लॉगिन पेज का लेआउट, देन एडमिन डैशबोर्ड बनाया था हमने। ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है। आज हम जो है बुक स्टॉक मैनेज का पेज बनाएंगे, देन इस तरह से और भी हमारे पेज बनाएंगे। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं इसे। तो हमें बुक स्टॉक मैनेज का पेज बनाना है। तो बुक स्टॉक मैनेज का पेज बनाने के लिए सबसे पहले हमारे कंट्रोलर में जाएंगे और वहां पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि किसी भी पेज को ओपन करने के लिए हमें उससे फंक्शन के अंदर लोड करना होता है। तो मैं लिखूंगा पब्लिक फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम होगा हमारा बुक स्टॉक मैनेज, MANAG मैनेज। देन यहाँ पर हम करेंगे डॉलर दिस लोड व्यू, बुक स्टॉक जी मैनेज। देन इसे हम कॉपी करते हैं, देन सेव। और हमारा जो डैशबोर्ड वाला पेज है इसे हम सेव करेंगे। तो इसे हम करते हैं सेव, और यहाँ पर इसे हम पेस्ट करेंगे। देन डॉट पीएचपी का एक्सटेंशन होगा, तो डॉट पीएचपी से सेव करते हैं। तो ये हमारा बन चुका है। देन हम इसके लेफ्ट पार्ट में इस जगह पर हमारी कोड लिखेंगे, जो भी हमें यहाँ पर ऑप्शन देने हैं। तो हमारा ऑप्शन है एड ऑथर, एड पब्लिशर, एड बुक और बुक लिस्टिंग। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ लिख देंगे, पैराग्राफ टेक, देन एंकर टेक, देन हैज। तो हम यहाँ लिखेंगे एड ऑथर, इसी तरह से के बाद एक बी आर, देन इसे कॉपी, देन एड पी पब्लिशर, देन बुक एड, बुक यहाँ से हम बुक को एड करेंगे। देन लास्ट होगा बुक लिस्टिंग, हम बुक लिस्ट, तो यहाँ से हमारी बुक की लिस्ट होगी। तो हम इसे अगर रिफ्रेश करें, हमने ओपन नहीं किया, तो हम इसका मेथड का नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। हमारा जो मेथड है बुक स्टॉक मैनेज, देन यहाँ पर से टेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा आ चुका है, लेकिन ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि सेम मेन्यू लग रहा है, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें काम करते हैं कि जिस तरह जैसा हमने ये देखा, एक हमारा होम पेज है, देन दूसरा हमारा जो डैशबोर्ड वाला पेज है, इन दोनों पेजों में ये लेफ्ट जो हमारा फिल्टर है, ये वाला जो सेक्शन है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसे कॉमन फाइल में डालते हैं। तो इसके लिए हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, देन सेव करते हैं। इसे हम करते हैं कॉमन के अंदर सेव, उसका नाम दे देंगे लेफ्ट मेन्यू, MENU.php, देन सेव। और इसमें हमारी मेन्यू दे देते हैं, तो इस मेन्यू को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, देन कट, यहाँ से हम इसे कट ही कर लेते हैं, कॉपी नहीं, यहाँ पर पेस्ट किया। एंड इसे थोड़ा स्ट्रक्चर कर लेते हैं, हमको इसे यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर किया, देन सेव। तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर इसे इंक्लूड कर लेंगे पीएचपी की टेक के साथ। तो यहाँ पर आए के हम लिखेंगे पीएचपी, देन यहाँ पर लिखेंगे include, इंक्लूड, और यहाँ पर लिखेंगे कॉमन स्लैश लेफ्ट मेन्यू डॉट पी एच पी, देन सेमी कॉलन। इसी तरह से मैं इस स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ यहाँ से, और डैशबोर्ड वाले पेज पर भी इसे ही पेस्ट कर देंगे। तो ये डैश वाला जो पेज है यहाँ पर भी हम इसे पेस्ट कर देते हैं, देन सेव। डैशबोर्ड वाला पेज क्लोज करते हैं, देन से रोलआउट। तो ये हमारा पेज वहाँ से आ रहा है।
तो अब ये हमारा पेज कॉमन हो चुका है। इसके साथ ही हम यहाँ पर एक और काम करते हैं कि हम इनकी लिंक बनाते हैं कि एक दूसरे पर क्लिक होने पर ही पेज ऊपर जंप भी हो। तो हमारे पास एक पेज बन चुका है, तो हम यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे पीएचपी टैग के अंदर, और यहाँ हम लिखेंगे बेस यूआरएल के बाद हमारा है होम स्लैश हमारी मेथड का नाम, हमारी मेथड है डैशबोर्ड, तो हम इसे कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर पेस्ट, और अगर इसका हम आउटपुट देखेंगे सेव देन रिलोड, बुक स्टॉक मैनेज पर है, हमने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करते हैं तो हम नहीं पूछ पाए कि हमारी इंडेक्स डॉट पी एच पी नहीं लिखी हमने, तो हमें यहाँ लिखना होगा इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश, क्योंकि अभी इंडेक्स डॉट पी एच पी वर्क कर रही है इसलिए दिक्कत आएगी। क्लिक किया तो ये हम आ चुके हैं। इसी तरह से हम इसे कॉपी करेंगे और सभी पर इसे पेस्ट करेंगे, सभी के हम रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग नाम दे देंगे अभी से ही, और उन्हें जब जरूरत होगी तब एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट देन पेस्ट और देन यहाँ पर भी से पेस्ट करेंगे, देन यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसका भी हम बना चुके हैं एक मेथड, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं इसे कॉपी करेंगे, तो इसका नाम है बुक स्टॉक मैनेज, तो मैं बुक स्टॉक मैनेज का नाम कॉपी करता हूँ, देन इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, देन उसके बाद हम देंगे बुक यू एंड सबमिट। इसी के साथ हमारा अगला जो पेज होगा वो होगा मेंबर मैनेज जी मैनेज। तो ये हमारा पेज बन चुके हैं, तो ये हमारी सारी लिंक्स क्रिएट हो चुकी है। आप इस जगह पर अगर देखेंगे तो सभी पर लिंक आ रही है, ये हमारी लिंक आ चुकी है। तो अगर हम डैशबोर्ड पे हैं तो डैशबोर्ड पे हैं, डैशबोर्ड से क्लिक करते हैं तो हम बुक मैनेज के पेज पर आ चुके हैं। अब हमें बुक मैनेज के पेज पर आकर यहाँ थोड़ा सा वर्क करना है, LMS काम टाइटल से सकते हैं कुछ, यहाँ पर हमें लिखना होगा बुक स्टॉक मैनेज देन रिलोड, तो हमारा यहाँ पर होगा बुक स्टॉक मैनेज, देन यहाँ से हम काम करते हैं, कट करेंगे कट, देन इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं छः की, तो यहाँ पर हम ड्यू बनाते हैं, ड्यू क्लास कॉल एस एम हाइफन फो कॉल एस एम हाइफन फोर, और इसी तरह से जो हमने ऊपर पहले कॉपी किया है वो इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ड्यू बनाएंगे, तो यहाँ पर ड्यू क्रिएट करता हूँ मैं, ड्यू क्लास कॉल एस एम हाइफन फो ड्यू, देन कट, देन यहाँ पर स्पेस, इसी तरह से इसे कॉपी किया, देन यहाँ पर पेस्ट, देन यहाँ पर स्पेस, और इसी तरह से यहाँ पर आएंगे, मैं लिखूंगा डी क्लास कॉल एस एम हाइफन टू, देन रिलोड, तो लेकिन ये आउट जा रहा है, तो हम इसे और कम करेंगे, इसे हम रखेंगे थ्री थ्री फोर वन, तो ये इस तरह से हो गया। देन इसके बाद हम यहाँ से एक बी आर टिक देंगे, इसे थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा,
देने काम करेंगे, इसे हम टू करते हैं और इसके ऊपर एक और सिंगल वन वाला हम डिक्लेयर करेंगे, कॉपी देन पेस्ट सेव देन रिलोड। तो ये इस तरह से हो चुका है, ये हमारा ऑथर रेट, पब्लिशर रेट, बुक एड करने का और बुक लिस्टिंग के हमारा ऑप्शन बन चुके हैं। हम अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम ऐड ऑथर पर क्लिक करेंगे। तो हमारा ऑथर ऐड करने का पेज क्रिएट करना है अब हमें, तो हम एक नया पेज बनाएंगे। तो अब हमें इनकी भी लिंक बनाना होगी, तो हम इनके लिए लिंक बनाएंगे। सबसे पहले हमारे जो पेज का मैनेजमेंट है वहाँ पर हम पेजों के नाम सेट कर देते हैं जो हम पेज बना चुके हैं। हम डैशबोर्ड बना चुके हैं, होम पेज बना चुके हैं, देन इसके बाद हम बना चुके हैं बुक स्टॉक मैनेज डॉट पीएचपी, इसमें होता है बुक स्टॉक मैनेज, ये हमारा पेज बन चुका है, तो हमने यहाँ नाम ऐड कर दिया है। देन इसके बाद अब हमें इनकी लिंक देना है, तो हम यहाँ पर इसकी लिंक बनाते हैं जैसे, और यहाँ लिखते हैं हम बेस URL, और यहाँ पर हम हमारे नाम देंगे, तो हम लिखेंगे index.php/@author then semicolon, इसे ही हम कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट, इसी तरह से सभी पर यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट। तो यहाँ पर हम देंगे इसका एड पब्लिशर, देन इसके बाद होगा एड बुक, देन इसके बाद होगा बुक लिस्ट, लिखेंगे हम बुक लिस्ट। तो हमारी स्टैटिक क्रिएट हो चुकी है, तो हमें अब वन बाय वन मेथड क्रिएट करना है। तो हम अगर बुक स्टॉक मैनेज पर जाएंगे तो यहाँ पर एरर आ गई है, हमने URL की स्पेलिंग गलत लिख दी है, सभी जगह पर हो चुकी है। हमें चेक करना होगा बेस URL, देन इसे कॉपी करके जगह पर रिप्लेस कर देते हैं, पेस्ट देन पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट सेव देन रिलोड इट। तो ये हम आ चुके हैं, तो ये हमारी लिंक क्रिएट हो चुकी है। अब हमें एट ऑथर नाम की मेथड बनाना है, तो हमने फिर गलती करी, हमने यहाँ पर कंट्रोल का नाम नहीं दिया, बहुत गलतियाँ हो रही है आज। /home/home then /home, तो ये हमारी बन चुकी है, देन सेव। और अगर हम बैक जाते हैं देन रिलोड करते हैं हमारे स्पेस को, देन अब क्लिक करते हैं तो हम यहाँ आ चुके हैं। देन अब हमें एड ऑथर नाम मेथड बनाना है, तो हम जाते हैं हमारे होम नाम के कंट्रोलर में और यहाँ पर फिर हम करते हैं पब्लिक फंक्शन एड ऑथर, देन यहाँ पर हम लिखेंगे $isLoadView, इसका नाम होगा एड ऑथर, देन सेव। और अब हम इसे ही सेव करेंगे और इसका नाम देंगे हम एड ऑथर डॉट पीएचपी, और इसका हम लेफ्ट फिल्टर से कंटेंट को रिमूव करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर नया कंटेंट सेट करना है। तो हम इसे सेव करते हैं और इंटर, तो हमारा पेज बन चुका है। तो ये जो हमारा पेज बनेगा अब बनेगा एड ऑथर का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एड ऑथर, तो हम इसे ऑथर ऐड करेंगे, जो भी बुक के ऑथर होंगे तो यहाँ पर हम ऑथर का नाम लिखेंगे, देन इंटर कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, ये भी आर रिमूव, देन यहाँ पर हम टेबल, टेबल के अंदर TR, TR के अंदर TD, TD के अंदर लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू नेम, देन प्लेस होल्डर एंटर ऑथर
नेम और टाइटल दे देते हैं हम इसका, एंटर ऑथर नेम, देन इसे हम कॉपी करेंगे पेस्ट और इसका नाम देंगे सबमिट, सब नहीं इसका हम सबमिट नहीं देंगे, इसका हम देंगे डब्ल्यूटीएन बटन, देन बटन में प्लस होल्डर नहीं होता वैल्यू होती तो उसका वैल्यू देंगे ऐड, देन इसका जो टाइटल है टाइटल हम दे देते हैं ऐड नाउ दे देंगे हम इसको, तो लिखेंगे ऐड नाउ और यहाँ पर हम एक और टीडी लेंगे, देन इसे बोल्टेक में हम कवर करेंगे, देन फॉन्ट फॉन्टेक में कवर करेंगे, देन उसका जो कलर होगा वो होगा वाइट, वाइट देन यहाँ लेंगे TH OR author name then save, और अगर हम यहाँ रिलोड करते हैं तो ये आ चुका है, लेकिन ये फॉर्मेट नहीं है तो हम यहाँ पर आएंगे सबसे पहले क्लास देंगे, तो हम लिखेंगे क्लास टेबल, देन उसके बाद हमारे टेक्स्ट फील्ड को हम क्लास देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल कंट्रोल, और देन यहाँ पर देंगे क्लास btn btn hyphen primary then reload, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, तो अब हमें स्ट्रक्चर देखना होगा कि हमारा स्ट्रक्चर क्यों बिगड़ चुका है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा डीव है जो पूरे साइड इसमें हमारी कवर होती है और ये वन वन के उसमें आता है, देन ये हमारा जो डीव है ये है समझते हैं टू रिलोड एट एड ऑथर एड पर हमारा वहां तक जा रहा है पाइप, देन ये पाइप में हमारा मैनेज हो चुका है स्ट्रक्चर, तो पाइप देन इसके बाद हमें एक और काम करना होगा, हमें यहाँ पर एक टी आर ओ लेना है, देन एक टी डी, देन इसका जो कॉल स्पिन होगा वो होगा थ्री देन रिलोड, तो ऊपर भी लाइन और नीचे भी लाइन हमारी बन चुकी है, एंड इसकी स्टाइल जिसकी हाइट है वो रहेगी 20 पिक्सल, देन लाइन हाइट भी रहेगी 20 पिक्सल, फ्रेश सब पक नहीं पड़ा छोड़ो इसको हटा दो थ्री देन रिलोड, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। देन यहाँ पर ही हम चाहते हैं कि हम जो हमारे ऑथर एड हो वो यहाँ पर शो भी हो जाए, तो हम यहाँ पर ऑथर को शो भी कराएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, पहले वाले हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है, अगर हम इसका प्रीवियस वाला वर्जन देखें जिसमें हम देखना तो इसमें नहीं ऑप्शन है, तो हम ये वाला ऑप्शन इसमें एक नया ऐड करेंगे, इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं जो हम इसमें कवर करेंगे, तो यहाँ पर हम एक टेबल का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम, तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे टी आर देन टी डी देन क्लास होगी इसकी टेबल, देन टी डी के अंदर हम देंगे आई डी देन नेम देन टी डी के अंदर ऑपरेशन देंगे, ऑपरेशन में हम डिलीट अपडेट देंगे, देन हम इसे टी डी में रखते हुए हाँ तो टी डी में रखते हैं हमें, देन सेंटर देन बी टेक से बी टेक में क्लोज देन सेंटर टेक क्लोज, देन इसे हम फॉन्टिंग में भी कर करते हैं फॉन्ट फॉन्ट कलर का होगा वाइट, देन इसका
जो साइज होगी वो होगी 2, देन क्लोज, इसे सेव करते हैं, रिलोड करते हैं। तो इस तरह से परफॉर्मेंस बन रहा है। तो हम इसे रेड करें, रेड क्लिक, रेड जम नहीं रहा है, वाइट, ठीक है, तो वाइट रखेंगे इसे। देन इस स्ट्रक्चर को हम सभी पेस्ट करेंगे, तो कॉपी करेंगे इसे यहाँ से, देन पेस्ट, और इसे भी यहाँ पर पेस्ट, इसी तरह से हम इसे यहाँ पर पेस्ट सभी को क्लोज करेंगे, बोल्ट क्लोज, देन हमारा सबसे पहले फॉन्ट टैग है, बोल्ट टैग है, देन सेंटर टैग, बोल्ट टैग, देन यहाँ पर फॉन्ट टैग है। फॉन्ट टैग हमारा इधर ही क्लोज हो चुका है क्या? अच्छा, हमने ही क्लोज कर दिया ऐसे, बट ऐसे यहाँ पर पेस्ट इस तरह से। यहाँ पर भी यही गलती हो गई, हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉपी कर लिया था, पेस्ट, यहाँ पर रिलोड। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे हम टी आर, देन टी डी, और ऐसे डिस कंडीशंस रहेगी, बस अंतर इतना होगा कि ये सब जो होंगे कलर वाइट नहीं होगा, तो हम कलर रिमूव कर देंगे। देन यहाँ पर ID 1, यहाँ पर जो भी नेम होगा, फॉर एग्जांपल हम इसे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर ए, देन ऑपरेशन में दे देते हैं डिलीट और अपडेट, देंगे अपडेट, देन हम यहाँ से फॉन्ट टैग रिमूव करेंगे, डिलीट और अपडेट के हमारे पास इस तरह से नहीं होते हैं, हमें रिमूव करेंगे टी टी, देन इसे भी फॉन्ट टैग को डिलीट, देन यहाँ से भी हम फॉन्ट टैग डिलीट कर देंगे, फॉन्ट टैग रिमूव, देन फॉन्ट टैग रिमूव, देन होम टैग रिमूव, ये भी रिमूव, और इसे भी, और सेंटर टैग हम लगा देते हैं बस, तो सेंटर टैग ले लेते हैं यहाँ से, तो सेंटर टैग यहाँ पेस्ट कर देंगे, पेस्ट पेस्ट, सेंटर टैग रहेगा, बोल्ट टैग रख लेते हैं, देन यहाँ पर सेंटर टैग है, देन इसे हम कॉपी करते हैं, देन इसकी जगह पर भी केवल सेंटर टैग रखेंगे, सेंटर टैग, इसे रिमूव करेंगे, देन इसे हम एंकर टैग में कवर करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे एंकर टैग, यहाँ हैशरेफ, यहाँ पर देंगे हैज, अभी हम जब भी हम पेज बनाएंगे उसका आगे नामकरण करेंगे, देन ये हो चुका है। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्लास लगाएंगे, क्लास btn btn हाइफन डेंजर वो करेंगे, अभी हम प्राइमरी लगाते हैं, वायर प्राइमरी डिलीट है, देन इसी के साथ इस एंकर को कॉपी करेंगे, कॉपी, देन पेस्ट, और यहाँ पर भी क्लोज होता है ये, देन फ्रेश, और हम इसे यहाँ पर देंगे कॉल स्पैन, यहाँ पर देंगे हम कॉल स्पैन 2, देन रिलोड। ये देखिए हमने हम दोनों पे हो चुका था, हमारा डिलीट और अपडेट हो रही है, इस तरह हम ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारी लिस्ट होगी, हम 3 शो कराएंगे, तो उसके बाद हम पेजिनेशन लगाएंगे, हम यहाँ पर पेजिनेशन में हमारा एजेक्स के साथ ही होगा, तो आपको मैं पेजिनेशन लगाना है बताऊंगा कि पेजिनेशन किस तरह से वर्क करता है। पेजिनेशन के बाद हम ये करेंगे कि हम 3 ऑपरेशन, हमारी एक और अथवा का नाम शो होगा, दिन पेजिनेशन आ जाएगा,
तो हम दो ऑथर का नाम शो करा के पेज नेशन लगा देंगे तो हमारा नेक्स्ट होगा, या फिर हम इसकी विड्थ से बढ़ा सकते हैं, तो हम 5 डिस्प्ले कराएंगे जैसा भी होगा हम आगे देखेंगे। तो हमारा ये वाला पेज बन चुका है जिसमें हमने ऑथर ऐड करवाया है। तो हमारी ई बुक लिस्टिंग का पहला वाला ऑथर वाला हमारा सेक्शन कम्प्लीट हो चुका है, जहाँ से हम यहाँ से ऑथर को ऐड करवाएंगे, देन ऑथर यहाँ पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमारा होगा ऐड पब्लिशर वाला पेज बनाएंगे, तो हम इसमें पब्लिशर को ऐड करेंगे। सर हमने यहाँ पर बना रखा है, तो अगर यहाँ का देखें हम तो ऐड पब्लिशर, तो यही पब्लिशर वही का वही पेज बनेगा पब्लिशर के लिए। देन बुक ऐड करेंगे, तो बुक ऐड में थोड़ा सा अंतर आएगा, अलग पेज है और बुक सबमिट का पेज है। तो आने वाली वीडियो में हम पब्लिशर और इंसर्ट बुक का पेज बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी रिजल्ट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।